क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 9, एक तो हमने कल इनवर्स के कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें बेसिक फार्मूला लगा था, है ना, किए थे ना कुछ। तो जो ये इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे 9th में दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वेयर। जब इनवर्स के साथ में इस टाइप की कॉम्प्लिकेटेड टर्म आए, इनवर्स फंक्शन के साथ में इस टाइप की कॉम्प्लिकेटेड टर्म आती है, तो इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं किया जाता। पहले इसको क्या किया जाएगा, पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, देन इसको डिफरेंशिएट करेंगे। करेक्ट, ठीक है। यस हाँ, तो इसको कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप इनवर्स 3 को पढ़ चुके हो, बताओ जरा। सर। तो इसमें हम एक्स को टू हाँ, शाबाश, गुड, टेन बताओ। थीटा लिख सकते हैं, एक्स को एक्स को बिल्कुल टेन हम यहाँ पर थीटा। 10 थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्वेश्चन हमारा किसमें हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वेयर थीटा। एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 10 थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। सो व्हाट इज इट नाउ, वाई इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा। सर आई थिंक ये साइन 2 थीटा की वो है। थैंक यू। ये sin 2 थीटा की आइडेंटिटी है, sin 2 थीटा की आइडेंटिटी है। साइन से आप साइन इनवर्स कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास बाकी क्या बचेगा, 2 थीटा, ठीक है। तो 2 into थीटा इज व्हाट, थीटा क्या है, टेन इनवर्स एक्स। 10 inverse x। तो थीटा की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं 10 inverse x, सो dy/dx क्या आ जाएगा, टैन के लिए तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है, तो 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होगा। 2 upon 1 plus x, क्योंकि 10 inverse का डेरिवेटिव क्या होता है, दिस। रिया, फैन चलाना स्टार्ट कर दिया आपने, ठीक यस सर, एसी भी ऑन कर दिया। है। ओ माय गॉड, अभी तो मैं वो क्या क्या कहते हैं इसको, स्वेट शर्ट पहन रहा हूँ तो इतनी गर्मी हो रही है। अच्छा बेटा, अभी हाफ स्लीव जैकेट मैंने इसके ऊपर से एक और डालता था 2 3 दिन पहले, बंद किए पहनना। एक्चुअली मुझे गर्मी नहीं लगती, बट मुझे ठंड ज्यादा लगती है। ये क्वेश्चन देखो जरा, 3x-x³ अपॉन 1-3x² वाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ थ्री। कौन बताएगा क्या सब्सटीट्यूट करेंगे। तो इसमें भी टैन थीटा ही लेंगे, फिर टैन 3 थीटा के रेंट की लेंगे। हाँ, इसमें भी हम एक्स को क्या लेंगे, 10 थीटा ही लेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू 10 थीटा। तो यहाँ से वाई क्या हो जाएगा, 10 inverse of 3 tan थीटा-10³θ अपॉन 1-3 tan² θ, दिस। एक्स का हमने यहाँ पर 10 थीटा सब्सटीट्यूट कर दिया, तो जहां जहां एक्स था वहां 10 थीटा आ गया, सो इट इज नाउ 3 tan θ-10³θ अपॉन 1-3 tan² θ। वाई इज इक्वल टू 10 inverse of, ये किसकी आइडेंटिटी है, 10 3 थीटा की आइडेंटिटी है। सो कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 थीटा, और थीटा को हम चेंज कर देंगे 3 into 10 inverse x। थीटा की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो थीटा क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू 10 inverse of x। सो थीटा की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, 3 into थीटा की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं 10 inverse x। सो व्हाट विल बी इट्स डेरिवेटिव, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
थ्री अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ जरा क्या करेंगे। नहीं समझ आया तो इसमें भी tan थीटा से ही करेंगे सब्स्टिट्यूट और फिर cos 2 थीटा की आइडेंटिटी मिलेगी। हाँ इसमें भी हम x को tan थीटा ही डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये किसकी आइडेंटिटी होती है? cos 2 cos 2 थीटा। सो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, x इज इक्वल टू tan थीटा। x को अगर tan थीटा हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ वन माइनस टेन स्क्वेयर, सो इट इज कॉस टू थीटा। ठीक है, कॉस इनवर्स और कॉस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे सो इट इज टू थीटा। और थीटा हमारा अगेन क्या है? थीटा अगेन हमारा टेन इनवर्स एक्स है। कीसा समझ आ रहा है बेटा? यस सर। सो टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 में कॉस इनवर्स नहीं है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स है। हाँ जी, इट्स द सेम एज द ऊपर वाला क्वेश्चन बट उसमें भी साइन इनवर्स से लिखे। हाँ साइन इनवर्स है, ठीक है, शाबाश। क्या करेंगे, एक्स को हम टेन थीटा ही डाल सकते हैं क्योंकि ये आइडेंटिटी तो कॉस टू थीटा में तभी बनेगी। वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ठीक है अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स से कॉस तो कैंसिल हो नहीं पाएगा। तो सर हम इनको साथ में डिफरेंशिएट कर देंगे। साथ में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे बेटा, पहले इसको कॉस से साइन इनवर्स को कैंसिल करेंगे। वो कैसे कर सकते हैं हम? पता नहीं कीसा आप बताओ, सर, पता नहीं किया हुआ है आपने ऐसा? सोच के बताओ। कॉस से साइन को कैंसिल, साइन इनवर्स से कॉस को कैंसिल करना है तो ऑब्वियसली कॉस को साइन को चेंज करना चेंज कर पड़ेगा, देगा और वो हम वो कैसे कर सकते हैं? पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू। रिया 11th में कहाँ पढ़ते थे? तो 11th में आई हैड अ पर्सनल ट्यूटर। सॉरी, तो 11th में मेरा पर्सनल ट्यूटर था। अच्छा तो चेंज क्यों किया? तो क्योंकि वो 12th में एक चैप्टर है जो ढंग से नहीं पढ़ा पाते, वो भी लाइक 22 इयर्स के हैं, 23 इयर्स के ही, तो उनसे थोड़ा 12th में ज्यादा था। अच्छा ओके, कौन सा चैप्टर था जो आपको लग रहा था कि जिसमें दिक्कत है? तो मैंने खुद ही बोला था दैट कौन सा चैप्टर था, मैं नाम भूल गई। फर्स्ट बुक का था या सेकंड का?
आई थिंक सेकंड बुक का कोई चैप्टर था, इंपॉर्टेंट था, बट मैंने बोला था वो थोड़ा इंटीग्रेशन, मुश्किल होती है पढ़ाने में, प्लस उसका एक्सपीरियंस भी नहीं है. अच्छा 5/2 - 2 थीटा, व्हाट इज थीटा? थीटा इज 10 इनवर्स x, सो dy/dx क्या आ जाएगा बताओ जरा। नेगेटिव प्लस एक्स स्क्वायर. वन वन प्लस एक्स स्क्वायर. आपकी बात से मुझे भी अपना पुराना टाइम याद आ गया रिया, आपकी बात सुन के मुझे भी अपना पुराना टाइम याद आ गया। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, मैंने भी 23 में ही पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो इसीलिए तो देखो थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होती है, सबको ही होती है। ये हो गया बेटा। अपूर्व क्या स्टार्ट कर रहे हो, कैसे हो रहे हैं आपके एग्जाम? बढ़िया बढ़िया। क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, कैसे करोगे? हाँ ठीक आप 11 बजे तक आप इधर ही हो, ठीक है, जो स्ट्रेटेजी हो उसी पे काम करो। क्या पढ़ोगे? नहीं मैथ्स में क्या हो गया बेटा आपका, हो गया ये सब? अगला क्वेश्चन ट्राई करो आप, 13th। मेरे ख्याल से एक बार तो एनसीईआरटी पूरा कर देते हैं दोबारा। कितने दिन का टाइम है हमारे पास? ट्वेंटी फर्स्ट को आई कितने दिन है? थिंक 16 है, 5 दिन. 2 दिन में एनसीईआरटी हो सकती है, थोड़े सिंपल वाले सम छोड़ दो, जैसे एपी में बहुत सारे सिंपल सिंपल सम है वो छोड़ देना, मेन मेन वाले कर लेना, पॉलिनोमियल में जैसे वर्ड प्रॉब्लम वगैरह है उस टाइप वाले मेजर, जो मेजर सम है वो कर लेना, है ना, इस टाइप से। करो स्टार्ट करो, फिर एक बार पास्ट ईयर कर देते हैं। एक एंड दिस हाँ देख तो लिया, पर मुझे दे देना पेपर। हमारा भी सेम ही सेट था भाई, बता रहा था सेम ही सेट था भाई, बता रहा था। हाँ ये हो गया बेटा आपका सम। यस सर, हो गया. इसका भी सेम ही आंसर है. ठीक sin 2 थीटा आएगा, इस sin 2 थीटा को कैसे चेंज करेंगे? cos π/2 - 2 θ. cos π/2 - 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, π/2 - 2 थीटा बचेगा। तो इसका भी 2/1 + tan². π/2 - 2 थीटा इज व्हाट? 10 इनवर्स, सभी में 10 इनवर्स ही आए जा रहे हैं, सॉरी दिस इज वाई नॉट dy/dx, ठीक है। तो dy/dx क्या होगा? 0 - 2, ओपन करते ठीक है। ईसा हो गया बेटा, गुड। हैं. यस 14th वाला ट्राई करोगी? हाँ बच्चों इसमें बता सकते हो क्या डालेंगे? तो इसमें हम कॉस थीटा या फिर साइन थीटा डाल सकते हैं. आई थिंक साइन थीटा, कॉस थीटा डालेंगे तो फिर वो sin²θ बन जाएगा. आई थिंक हाँ sin थीटा या cos थीटा में से डाल सकते हैं, वैसे कॉस थीटा बेटर होगा बिकॉज फिर साइन थीटा बन जाएगा.
हाँ साइन थीटा डाल लीजिए, लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। है ना, एक्स का आपने साइन थीटा डाला है ना, टू इंटू साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। चलो करो, सिंप्लीफाई करो। यस सर, फिर साइन टू थीटा आ जाएगा, फिर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल टू थीटा बचेगा। तो टू साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। सर हमें ये हर क्वेश्चन में ये रेंज वाला शो करना होगा क्या? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो बेटा ऑलरेडी रेंज के अकॉर्डिंग ही होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर से कोई क्वेश्चन आया तो शायद चेक भी करना पड़ सकता है। वैसे अभी 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 तो तक हमें इतने, शो करना हो तो फिर साइड में करना होगा। हाँ वैसे अभी तक तो एग्जाम में प्रीवियस इयर्स में कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं जिसमें रेंज की जरूरत पड़ी हो, बट फिर भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि अगर जरूरत पड़े तो कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक्स को देखो, साइन इनवर्स अगर डिफाइन करोगे आप, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ऐसे यस डिफाइन करोगे, तो थीटा क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में होना चाहिए। अगर आप यहाँ कोस डालते तो वो शायद सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर देखो थीटा क्या आ रहा है, माइनस पाई बाई फोर से पाई फाइव बाई फोर के बीच में। अगर आप तो ये विद इन पाई, थीटा हमारा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में ही आ गया है ना, लेकिन अगर आप कॉस डालते तो फिर वो नेगेटिव में चला जाता, वहां प्रॉब्लम आती कॉस के केस में। तो इसमें आप कॉस नहीं, इसमें आप साइन ही डालेंगे। हो गया मेरा क्वेश्चन। टू साइन थीटा कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस इज कीसा आपका हो यस गया था। सर, थीटा इज साइन इनवर्स एक्स और डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू इंटू साइन इनवर्स एक्स। क्या होता है साइन इनवर्स एक्स, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स। ठीक है। ऊपर तो हमने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा था ना, सर नो सर, सर नेक्स्ट वाला भी खुद ही कर ले, मेरे को आ गया। क्या सर मेरे को बेटा नेक्स्ट वाला समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट है वाई इज इक्वल टू सर इसमें हम कॉस थीटा लेंगे। सेक इनवर्स, हाँ कॉस थीटा लेंगे बेटा, टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन। देखो बेटा दो बातें, एक तो क्या है, देखो इस क्वेश्चन में वैसे भी देखो नेगेटिव रेंज दी ही नहीं, जीरो इज लेस देन एक्स लेस देन वन बाय रूट टू, इसको तो हम चलो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप ये देखो कि हमें यहाँ सेक इनवर्स को कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए, सेक इनवर्स को कैंसिल करने के लिए हमें अंदर सेक एक्स चाहिए, ठीक है, और सेक एक्स वन बाई कॉस एक्स से आ सकता है यस सर, तो नीचे कॉस एक्स बनना चाहिए, और नीचे कॉस एक्स ये कैसे बनेगा, अगर हम एक्स को कॉस टू थीटा, एक्स को कॉस थीटा लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड वर्स 1 बाय cos² थीटा, 2 cos² थीटा -1। वन, और ये किसकी आइडेंटिटी होती है, कॉस टू थीटा की आइडेंटिटी होती है, तो ये वन अपॉन कॉस टू थीटा हो गया। भाई की सीटिंग तो बड़ी अच्छी है, भाई तो 11 बजे तक बैठा था। आपकी सीटिंग कैसी है देखते हैं। बैठ जाऊंगा पर अभी तो टाइम है। सर बस भाई के केस में मुझे एक ही चीज रियलाइज हुई कि उसको मैं पहले दिन से यहीं बैठा लेता तो ज्यादा अच्छा था, बस उसने पहले फर्स्ट स्टेज में थोड़ा सा ना टाइम निकाल दिया, तो मैं आपके साथ तो वो बिल्कुल नहीं होने देना। अच्छा तो आप बिगनिंग से यहीं बैठो,
थीटा इज व्हाट, थीटा क्या आएगा बेटा? टू टू कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कर दो इसका माइनस डेरिवेटिव माइनस टू अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स माइनस स्क्वायर। टू अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आप वो वाला चेक करेंगे, ये वाला चेक करके देखो आप क्या सेटिस्फाई कर रहा है। यस एक्स को मैम, आपने कॉस थीटा डाला था, उसके अकॉर्डिंग क्या ये कॉस इनवर्स की रेंज वगैरह को सेटिस्फाई करेगा? चेक करना यस, जरूर, नहीं करेगा। क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आ रही है और हमारी रेंज नेगेटिव में नहीं है। देखो हमारे यहां पर आ गया था y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा, यही आया था ना, थीटा या टू थीटा जो भी था। सेक टू थीटा। हाँ अच्छा, एक बात बताओ, हमने क्या पुट किया, हमें क्या दिया हुआ है? जीरो इज लेस देन एक्स लेस देन वन बाय रूट टू दिया हुआ था। ठीक यस है, सर, जीरो इज एक्स को आपने क्या डाल दिया? एक्स को कॉस आपने कॉस थीटा डाला था। थीटा। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया कॉस जीरो इज लेस देन कॉस थीटा लेस देन कॉस पाई बाय फोर। सर इट्स लाइन इन द रेंज सर, जीरो क्या बेटा? मैंने चेक कर लिया उत्तर लाया है। ये थीटा की वैल्यू है, तो टू थीटा कहाँ लाई करेगा? फाइव बाय टू, सॉरी, जीरो से पाई बाय टू के बीच में है ना। अच्छा, जब आप सेक को सेक इनवर्स से कट करेंगे तो ये टू थीटा आपका जीरो से पाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट। ये शायद सर ने आपको समझाया भी होगा कि जब इसको इससे आप कैंसिल करोगे तो ये जो टू थीटा है इट मस्ट लाइज विद इन द रेंज ऑफ सेक इनवर्स, जो कि क्या होती है, जीरो टू पाई। तो यस हमारे पास जो टू थीटा है दैट इज इन बिटवीन जीरो टू पाई बाई टू, सो ठीक है, तो ये जीरो से पाई के बीच में ही हुआ, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। वाई इज इक्वल टू टू थीटा एंड वाई इज इक्वल टू टू इंटू थीटा इज वाट, थीटा हमारा कॉस इनवर्स एक्स था। ठीक है, इसकी जरूरत आपको यहाँ पर कैंसिल करते हुए पड़ेगी। ठीक है, और वो सेटिस्फाई कर रहा है विद इन सेक रेंज ऑफ सेक इनवर्स एक्स ही है। सो डीवाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? ठीक है, देखो पाने बिल्कुल सही टाइम पे आई है ना, जैसे ही हमने क्वेश्चन खत्म किया पाने भी आ गई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। बच्चों हम 5.5 बाद में करेंगे, पहले 5.56 कर ले, 5.6 कर लेते हैं, क्योंकि पान्या ने 5.5 करी हुई है, सो 5.6 में सभी का साथ में हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों पैरामेट्रिक फंक्शंस, पैरामेट्रिक फंक्शंस, पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं कौन बताएगा? सो बेसिकली लाइक जैसे हम एक्स बाय वाई की मतलब हम वाई एक्स की उसमें डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसमें बाकी सारे जैसे एक और वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, आई रिया थिंक। साहब बताओ, आई डोंट नो, कीसा आपको पता है बेटा? नो सर। देखो बच्चों बेसिकली जैसे हम यूजुअली हमारे पास इस टाइप का फंक्शन होता है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, यहां पर क्या होगा कि एक्स एक्स इज लाइक जैसे एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर, एक्स जो वेरिएबल है हमारा, यहाँ पर जो एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल इज फर्दर फंक्शन ऑफ टी, एक्स टी के ऊपर डिपेंड करता है टी का फंक्शन, ऑफ टी एक्स टी के ऊपर डिपेंड करता है टी का फंक्शन है, कनेक्टेड राइट। वाई इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू जैसे 280, ये ठीक है। तो एस भी यहाँ पर टाइम का फंक्शन है, जैसे कि आप डिस्टेंस और वेलोसिटी को ले सकते हो, डिस्टेंस और वेलोसिटी आपस में रिलेटेड है, डिस्टेंस और वेलोसिटी आपस में रिलेटेड होते हैं, या डिस्टेंस और स्पीड कह सकते हो, सर। डिस्टेंस एंड स्पीड दोनों आपस में रिलेटेड है ना।
इसी तरह हमारे एक्स और वाई रिलेटेड है भाई। डिस्टेंस को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर दूं, स्पीड या स्पीड को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर दूं और डिस्टेंस को मैं वाई से रिप्रेजेंट कर दूं, तो एक्स और वाई रिलेटेड हो गए। बट अगर मैं इनको फर्दर डिफाइन करूं, स्पीड स्पीड को हम कैसे लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड, है ना, ऐसा ही लिखते हैं ना, मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड स्पीड डिपेंड्स ऑन टाइम, मीटर पर सेकेंड स्पीड टाइम से रिलेटेड है ना, कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ उससे स्पीड निकलेगी, तो स्पीड टाइम पे डिपेंडेंट है। अच्छा, डिस्टेंस, डिस्टेंस भी कितने टाइम में डिस्टेंस कवर हो रहा है, डिस्टेंस भी टाइम पे डिपेंडेंट है, कि ज्यादा टाइम होगा तो ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा, कम टाइम है तो कम। सो डिस्टेंस एंड स्पीड बोथ आर फंक्शन ऑफ टाइम, दोनों टाइम के फंक्शन है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। सो हम डी को टी की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एस को भी टी की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो टाइम एक पैरामीटर हो गया जिसके ऊपर दोनों वेरिएबल एक्स और वाई डिपेंड करते हैं। टाइम इज ए पैरामीटर ऑन विच बोथ डिस्टेंस एंड स्पीड डिपेंड्स, राइट। सो टाइम एक नया वेरिएबल आ गया, इस नए वेरिएबल को हम कहते हैं पैरामीटर। टी को क्या कहेंगे, हम पैरामीटर। डिस्टेंस और स्पीड दोनों का पैरामीटर, पैरामीटर क्या है, टाइम है। टाइम के अकॉर्डिंग ज्यादा, अगर बॉडी ने ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल किया तो इट मीन्स उसकी स्पीड कम है, ठीक है। बॉडी ज्यादा टाइम तक अगर मूव कर रही है, इसका मतलब वो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगी। सो बोथ डिस्टेंस एंड स्पीड आर फंक्शन ऑफ टाइम। सो टी यहाँ पर क्या होगा, पैरामीटर। एक नया वेरिएबल आ गया जिसपे एस और टी दोनों डिपेंड कर रहे हैं, दैट न्यू वेरिएबल इज कॉल्ड पैरामीटर। सही डिवाइड भी ना पॉलीनोमियल्स ठीक है, दोनों टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो इस नए वेरिएबल जो इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर, इसको क्या कहेंगे, पैरामीटर कहेंगे, करेक्ट। एस इज ए फंक्शन ऑफ टी, वाई इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ टी। तो पैरामीट्रिक फंक्शन अगर आपको दिए हैं तो डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा, पहले आप एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, जिसे हम लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी। तो डिफरेंशिएशन वैसे ही होगा जैसे हम पहले करते थे, बस वाई के जगह एक्स रिप्लेस हो गया और एक्स के जगह टी रिप्लेस हो गया। ए कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा, टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा, की साहब बताओ टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा, टू टी 2t होगा। जैसे हम एक्स स्क्वेयर का करते हैं तो 2x होता है, जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो एक्स स्क्वेयर का 2x होता है, अब हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t स्क्वेयर का क्या होगा, 2t होगा। एंड dy अपॉन dt, dy अपॉन dt क्या होगा, रिया बताओ क्या होगा, टू ए होगा 2a होगा, और t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ना। उसके बाद पान्या, dy अपॉन dx कैसे फाइंड करते हैं पैरामेट्रिक के केस में, सर आप dy बाय dt को डिवाइड कर दोगे dx बाय dt से। यस, dy बाय dt को हम अगर डिवाइड करते हैं dx बाय dt से, दैट विल बी dy बाय dx। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t को डिवाइड करेंगे किससे, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t से। तो रेट ऑफ y आएगा विद रिस्पेक्ट टू टी, जैसे कि यहाँ पर अगर हमें एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज देखना है दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो पहले हम दोनों का रेट ऑफ चेंज देखेंगे इंडिपेंडेंटली, फिर एक क्वांटिटी का एस या एस और डी में से उनका रिलेटेड रेट ऑफ चेंज देखेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जस्ट आपको लर्न करना है कि डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये क्या आ जाएगा, 2a अपॉन 2at, 2a कैंसिल हो जाएगा 1/t, ठीक है। तो मेन बात यह है, जो है वो आपके लिए यह है कि आपको dy बाई dx फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, dy अपॉन dt अपॉन dx बाई dt, ये आपको याद रखना है, करेक्ट। चलो मैं आगे देखो, जरा सेकंड क्वेश्चन को देख, पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही देखो, एक्सरसाइज 5.6 से। एक्स इज इक्वल टू 280 स्क्वेयर, वाई इज इक्वल टू 84, डी एक्स बाई डी टी बताओ, रिया डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, इसका होगा 480। तो टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा, तो ये 480 हो जाएगा।
कीसा डी वाई अपॉन डी टी क्या होगा बेटा? 4a t to the power 3 फोर ए इंटू टी क्यूब, ए एज इट इज रहेगा, 4t 4 का 4 दिस हो जाएगा। पान्या डीवाई बाई डीएक्स का फॉर्मूला बताओ पान्या। तो dy by dt upon dx dt. डीएक्स बाई डी टी, सो डीवाई बाई डी टी हमारा क्या है 4at³ और डीएक्स बाई डी टी क्या है 4at, कैंसिल करेंगे t² आ जाएगा। समझ आ गया सभी को, किसी को डाउट तो नहीं? गया. चलो सेकंड क्वेश्चन करो बच्चों, करो एक बार खुद से ट्राई करो। यहाँ पर पैरामीटर क्या है? थीटा. यहाँ पर पैरामीटर थीटा है। जैसे पिछली बार एक्स और वाई दोनों टी के फंक्शन थे, यहाँ पर एक्स एंड वाई दोनों थीटा के फंक्शन है, सो आप डिफरेंशिएट करेंगे डीएक्स अपॉन डी थीटा। तो बी बाय ए. अब बी बाई ए, गुड। अच्छा बच्चों पैरामीट्रिक के केस में ये लिखना कंपलसरी होता है, इसका हाफ मार्क होता है डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, इसका आधा नंबर होता है बच्चों, तो ये लिखना होगा आपको एग्जाम में, ठीक है? सो इट इज बी बाई ए। बच्चों मैंने इसके लिए बोला है कि ये फॉर्मूला आपको लिखना है डी वाई बाई डी एक्स इज दिस, हाफ मार्क्स का है। अगर आप पूरा सम ठीक करेंगे, और आपने क्वेश्चन ये फॉर्मूला नहीं लिखा तो आपका आधा नंबर कम हो जाएगा, इवन पूरा सम ठीक होने के बाद भी ये कंपलसरी होता है एग्जाम में लिखना। नेक्स्ट ट्राई करो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो। तो -4 sin t. सो -2 sin t आया. -2 sin 2t अपॉन कॉस टी, क्या आंसर आया बच्चों आपका? माइनस, -4 sin t. तो -2 sin t. अच्छा इसको अगर आप चेंज करोगे sin 2t को आप लिखोगे 2 sin t cos t, ठीक है? नीचे cos t है, cos से cos को आप कैंसिल कर देंगे तो आपका 4 sin t आ जाएगा, ठीक है? पानी समझ आया बेटा? यस, मैंने वो वाला 2 मल्टीप्लाई नहीं करा. कैसा आपका हो गया, यस सर. गुड, चलो शाबाश, नेक्स्ट वाला ट्राई करो, फोर्थ करो बेटा। बच्चों डिफरेंशिएशन आपको थोड़ा सा बाहर से भी करना होगा, सिर्फ एनसीईआरटी से सफिशिएंट नहीं होता, तो एक बार हम एनसीईआरटी से कर लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन बाहर से भी करवाऊंगा।
आंसर हर एक संख्या चेक करते हैं। -1/4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -1/t² हो जाएगा। हो गया, सभी का हो गया, पाने हो गया बेटा की सब। यस फिफ्थ क्वेश्चन लिखो बच्चों। साइंस का कैसा हुआ पूरा आपका? बुला तो जाएंगे नहीं मतलब कितने हैं? कुछ गलत किया? बायो में वैसे लिख के सारा है एमसीक्यू तो सारे में एक वो मैनेजर वन में एमसीक्यू अच्छा, कितने बाकी तो एमसीक्यू बाकी तो वो चीज है क्या सत्तर? मैं इतना 90% अगर 70 का ठीक हुआ तो 75 नंबर आ जाएंगे, अगर तुम 70 का ठीक लिख के आए होगे ना तो 75 मिल जाएंगे। इतना बोर्ड दे देता है थोड़ा सा। हो हो गया बेटा। गया अच्छा बच्चों, ऊपर वाले सम में मैंने कुछ मिस्टेक करी है। dx/dt लिखना था, मैंने डी थीटा लिखा हुआ है। तुम भी अपना अगर तुमने किया हो तो ठीक कर लेना, ठीक है? यस थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं। हाँ, dy/dx क्या होगा? dy/dθ डिवाइडेड बाई dx/dθ। सो दिस बाय दिस पान्या हो गया यस की सा। यस हो गया गुड, नेक्स्ट ट्राई करो बच्चों। आंसर जरूर देख लेना एक बार, आंसर पे हल्की सी नजर मार लेना। सिक्स्थ क्वेश्चन करो बच्चों। इसको हम कुछ सिंपलीफाई नहीं कर सकते या हम ऐसे ही छोड़ देंगे बेटा अगर ये 2 नहीं होता ना बीच में तो सिंप्लीफाई हो जाता, लेकिन 2 की वजह से भी ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। तब तो हम इस पे cos x - cos y लगा देते, ठीक है? तो ये ऐसे ही छोड़ दो, पीछे भी आंसर ऐसे ही है। ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा, और ए और ए क्रॉस आउट हो जाएगा हाँ। थीटा को हम साइन थीटा क्या लिख सकते हैं? और 1 - cos θ को 2 sin²θ/2। 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, साइन से 1 साइन कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो -cot θ/2 आ जाएगा ये।
माइनस कोट थीटा बाई टू करो, अगर नहीं आता है तो मुझे बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। कौन सी एक्सरसाइज पे? हाँ त्रिकोण हो गया हो गया, गुड। कैसा खाने हो गया बेटा आपका पिज्जा? होगा? यस हो गया। चलो सेवन को भी छोड़ दो बच्चों, पहले आगे का करते हैं फिर सेवन करेंगे। एट वाला सम ट्राई करो। जब लॉग टी का हम डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले लॉग के रिस्पेक्ट में होगा, सो वन अपॉन टेंजेंट हो जाएगा। फिर टेंजेंट का करेंगे सेकेंड स्क्वेयर हो जाएगा। फिर टी बाई टू का करेंगे तो हाफ होगा। रिया हो गया ये? तानिया ठीक तो एक हाँ बेटा, टी बाई टू को आप बेटे जैसे एक्स बाई टू का होता है, एक्स कैसे बाई टू का डेरिवेटिव क्या होता है? वन बाई टू। या आप इसको ये से समझ लो कि एक्स बाई टू का डेरिवेटिव करते हैं तो वन बाई टू को साइड में लिख सकते हैं। एक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में होता है तो एज इट इज रहता है, तो वन बाई टू मल्टीप्लाई में आया? है एज इट इज रहेगा। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वन, सो इट इज वन बाई टू इंटू वन, दैट इज वन बाई टू। टी बाई टू में भी हम सेम करेंगे कि वन बाई टू साइड में रहेगा और टी का डेरिवेटिव करेंगे तो टी का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो एक्स का वन होता है, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टी का वन होगा। ठीक है, कैसा क्लियर है बेटा ये? तान्या यस सर, यस सर। इस टेंजेंट टू बाई टी को चेंज कर दो बच्चों। टेंजेंट टू बाई हो जाएगा साइन टी बाई टू, कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस टी बाई टू। सेकेंड स्क्वेयर को चेंज कर दो, वन अपॉन कॉस स्क्वेयर टी बाई टू, और वन बाई टू का जो टू है इसको बिगनिंग में लिख दो। ठीक है, दोबारा बताऊं, ये टेंजेंट टी बाई टू को लिख दिया नीचे साइन, कॉस ऊपर चला गया। टेंजेंट को साइन अपॉन कॉस लिखा तो कॉस ऊपर चला गया। सीकेंट स्क्वेयर में वन अपॉन कॉस स्क्वेयर टी बाई टू हो गया, और जो मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में टू था, नीचे टू था, इस टू को यहां पर लिख दिया बिगनिंग में। ठीक है, कॉस टी बाई टू से एक कॉस टी बाई टू को कैंसिल कर दो, डिनोमिनेटर में जो होल स्क्वायर है एक कैंसिल हो जाएगा। यस सर। सो साइन और टू साइन टी बन जाएगा टू। दिस इज ए इंटू माइनस साइन टी। बच्चों के नीचे क्या रह गया बताओ जरा? टू साइन टू टी बाई टू तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, सो टू साइन टी। हाँ, टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू। टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू क्या होगा? साइन टू टी बाय टू तो सर साइन टी बचेगा ना? साइन टी बचेगा तो ये साइन टी बन जाएगा। ये दोबारा बताऊं मैं, टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, इस पे साइन टी कैसे बनाइए? जैसे 11th में ये फॉर्मूला होता था साइन टू थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, जस्ट इसका अपोजिट लगा दिया हमने, है ना?
साइन टी को के ऊपर ये फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा, टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, तो जस्ट हमने इसका ऑपोजिट कर दिया। क्लियर है ये? इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लो इसमें, माइनस ऑफ साइन स्क्वेयर टी प्लस वन, एलसीएम ले लो। न्यूमरेटर में हो गया हमारा वन माइनस साइन स्क्वेयर टी, दैट इज क्या होता है, यहां तक आ गया आपका सबका? यस सर। तो इसमें हम कॉट तीन टू कॉस थ्री कर लेंगे अभी इसके रहने दो साथ। बेटा, आगे देख लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो। अभी हमें उसको भी करना है ना, वहां से भी कॉस साइन की कोई टर्म आएगी तो देख लेंगे, कुछ कैंसिल होगा तो ठीक है, नहीं तो कर देंगे बाद में। y को डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, dy बाई dt, एक कॉस्टी हो जाएगा। उसके बाद dy बाई dx क्या होगा, तो फाइनल आंसर टैन टी है। फाइनल क्या बेटा? आंसर टैन टी है। सर मैं अभी वही आ रहा हूँ। अच्छा फाइनल आंसर, हाँ फाइनल आंसर टेन टी आएगा। फाइनल आंसर टेन टी आएगा बेटा। नाइन्थ करो जरा, तीसरा आपका आया बेटा, गुड, यस सर। आगे चलो नाइन्थ करो। सर इज इट बी सेक थीटा अपॉन ए टैन थीटा। बी सेक थीटा अपॉन, सर मेरा भी नहीं आ रहा। अच्छा एक बार पीछे हमसे चेक करो बच्चों क्या है। सर मैंने सर इसमें बी बाय ए कॉसेक थीटा आ रहा है। डी वाई बाई डी एक्स आपका आना चाहिए बच्चों, बी इंटू सेक स्क्वेयर थीटा अपॉन ए इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, एक कट हो यस जाएगा आपका, बी बाई ए सेक सर। थीटा अपॉन टेन थीटा। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, बी बाई ए अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कट हो जाएगा, तो बी बाई ए इंटू कॉसेक थीटा। पीछे क्या आंसर है बच्चों? अच्छा थोड़ा सिंप्लीफाई करना बेटा इसको। नेक्स्ट वाला ट्राई करो बच्चों। कैसा हो गया बेटा नाइन? यस अकेला बोर हो गया, दोस्त नहीं आए? अरे नहीं लगा पंजाबी कि हिंदी तो किसी के पास नहीं होगी, सबके पास पंजाबी होगी, तो आई थिंक ट्रेडिशनल हिंदी संस्कृत में ऑप्शन होती है। सर
बच्चे थीटा साइन थीटा पे प्रोडक्ट टू लगाना, थीटा साइन थीटा पे प्रोडक्ट टू लगाना है। डाउट पान्या? थीटा हमारा एक कांस्टेंट नहीं है? नहीं बेटा, थीटा के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखो हाँ थीटा हमारा पैरामीटर है, पैरामीटर कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। एक्स और वाई दोनों थीटा के फंक्शन है, थीटा पे डिपेंड करते हैं। थीटा इज पैरामीटर नॉट कांस्टेंट। थीटा के चेंज होने से एक्स चेंज होगा, थीटा के चेंज होने से वाई चेंज होगा, ठीक है। कांस्टेंट वो होता है कि जिसके चेंज होने की वजह से वैल्यूज, एक्स और वाई की वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे ए कांस्टेंट है, हाँ जी सर। और इसमें माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा ना? ठीक हाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। है। ये आना चाहिए आपका कैसा प्रोडक्ट टूल, समझ आ गया था बेटा कैसे लगेगा? गुड, यस सर। पानिया करो बेटा। तो ये वाला हो गया, बाय वाले टॉम कर। हाँ वाई वाला करो। सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री 180, कॉम्प्लीमेंट्री 90। सर डी वाई बाई टी थीटा ए इंटू टू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा आएगा ना? एक मिनट दो बेटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बेटा। ए इंटू थीटा साइन थीटा आना चाहिए। क्या है आपका बेटा? यस ओके, सर। okay, मैंने वो एंड में कॉस थीटा पे माइनस नहीं लगाया था तो वो मिस्टेक हो गई। सर ठीक टैन थीटा आ रहा है आंसर। है। हाँ टेन थीटा ही आना चाहिए बेटा। ए थीटा कट हो जाएंगे, टेन थीटा आ जाएगा। पान्या आपका आ गया बेटा, गुड। इलेवन पे आ जाओ बच्चों। देखो इस सम को पहले देखो, बाद में करना। दो तीन तरह से इस सम को कर सकते हो आप। एकदम डायरेक्टली कर दें इसको, एकदम डायरेक्टली कर दें। जैसे कि एक्स इज इक्वल टू, ये होल रूट है, होल पावर है, तो होल पावर आगे आ जाएगी, पावर एक कम हो जाएगी। ए टू द पावर साइन इनवर्स टी का पावर हो जाएगा माइनस हाफ, ठीक है। फिर जो पावर के नीचे टर्म है, कीसा देखो बेटा, फिर जो पावर के नीचे टर्म है उसका डेरिवेटिव करेंगे। ए टू द पावर साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव होगा। अब ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ए टू द पावर एक्स लोगे, ए टू द पावर एक्स लोगे होता है, तो उसी टाइप से इसका होगा। क्या होगा? ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ऑफ ए, इंटू में फिर पावर का भी डेरिवेटिव होगा, साइन इनवर्स टी का भी डेरिवेटिव होगा, दैट इज वन अपॉन वन माइनस टी स्क्वेयर, ठीक है। ये बताओ ये समझ आया पान्या? यस ओके दिस इज, अब देखो बच्चों जरा ये क्या है, इसको ध्यान से देखो। ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, और ये क्या है? ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, इसके ऊपर वन पावर है ना,
और इस पे माइनस हाफ पावर है, दोनों के बेसिस सेम है, एक पे माइनस हाफ पावर है, एक पे वन पावर है, तो हाफ पावर कैंसिल हो जाएगी, हाफ पावर बचेगी, साइन इन ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, और इसके ऊपर पावर क्या बचेगी, हाफ, बाकी सभी टर्म्स एज इट इज, लॉग ए एज इट इज एंड वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर भी एज इट इज, ठीक है। अब इसको देखो, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, देखो जरा इसको, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी की हाफ पावर, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी की हाफ पावर क्या है बच्चों, देखना जरा यहाँ पर, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी की हाफ पावर क्या है, एक्स के इक्वल है, क्लियर है ये, रिया ये समझ आया बेटा, तो यहाँ एक्स हो जाएगा लॉग ए अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, रिया ये एक्स कैसे आया समझ आया, यस सर, वो ए की पावर साइन इनवर्स टी 1/2 को रूट ए साइन इनवर्स टी हुआ। ईसा पान्या आपको समझ आया, यस गुड ओके, इसको यहीं छोड़ दो, अब डीवाई बाई डी टी करो बच्चों, बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स पे करना है, ठीक करके आया, अभी हो गया। हो गया, तीस आपका हो गया बेटा, यस सर, डी वाई बाई डी टी आया है क्या, आन्या यस सर, यस सर, आपका बेटा यस सर, यहाँ तक हो गया, अब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करोगे तो देखो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक जो बचेगा एक तो माइनस का साइन बचेगा, वाई और एक्स बचेंगे, है ना, यस सर, माइनस बाय बाय आउट। माइनस वाई बाय एक्स रहना चाहिए, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यस सर, इस टाइप से कर सकते हो आप इसको, ईसा सर कम की हो गया बेटा, लाइट चली गई है तो इससे उसका इंटरनेट वो हो गया है, तो बस 2 मिनट्स में रीजॉइन करेगी। अच्छा ओके, एक तो ये था बेटा, दूसरा जैसे आपको एक्स दिया हुआ है, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी रूट ऑफ दिस, वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर साइन कॉस इनवर्स टी, ठीक है ये दिया हुआ है, इसमें आप स्केयरिंग कर दो बोथ साइड, एक्स स्केयर इज इक्वल टू ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, पाने इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अगर इसका डिफरेंशिएट करें तो क्या डेरिवेटिव होगा इसका, सर एक्स स्क्वायर का 2x इंटू dx अपॉन dt। और उधर ए साइन इनवर्स टी लॉग ए इंटू 1/√1 - t² और ये क्या है,
ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है. हाँ जी, ये लॉग ए इंटू वन अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। कीसा हमने क्या किया बेटा, क्वेश्चन हमारा ये था ना, हम इसमें दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर सकते हैं, यस ठीक सर. है, स्क्वेयरिंग से राइट साइड का रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होगा 2x इंटू dx अपॉन dt। एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, और क्योंकि आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स स्क्वेयर का भी, एक्स का भी होगा, पावर के नीचे जो फंक्शन है उसका भी होगा, तो वो क्या होगा, dx अपॉन dt। राइट साइड में ए टू द पावर साइन इनवर्स टी एज इट इज, ए का क्या होता है, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, तो ए टू द पावर साइन इनवर्स टी का क्या होगा, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए, फिर साइन इनवर्स टी का अलग से होगा, वन अपॉन वन माइनस टी स्क्वेयर। इसके जगह पे आप क्या डाल सकते हैं, इसके जगह पे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पर हमने एक्स स्क्वेयर या एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 एक्स लॉग ऑफ ए इंटू वन माइनस टी स्क्वेयर। सिमिलरली आप वाई का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सो वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी, वो क्या आएगा, हाफ ऑफ वाई लॉग ए इंटू माइनस वन अपॉन वन माइनस टी स्क्वेयर, ठीक है। फिर आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, तो वही पहले वाला ही आ जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है। एक मेथड इसको करने का और है बच्चों, वो क्या है देखो जरा, एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, ठीक है। तो इसमें एक्स इंटू वाई फाइंड कर लो आप, एक्स इंटू वाई क्या होगा, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, ये समझ आया आपको, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई अंडर रूट हम इकट्ठा लगा देते हैं, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। अच्छा बच्चों, बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती है, हाँ सो एक्स इंटू वाई इज, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, ठीक है। अच्छा ये फॉर्मूला होता है एक हमारा ट्रिग्नोमेट्री में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। सो एक्स इंटू वाई क्या हो गया, ए टू द पावर पाई बाई टू बन गया, यहाँ तक समझ आया, नोट कर लो यस. एक। ठीक है, आप इसको डिफरेंशिएट करो, लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट रूल लगाओ, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू वन, वाई इंटू वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म का होता है बच्चों 0, ए टू द पावर पाई बाई टू रूट दिस, ये कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। लेफ्ट हैंड साइड में हमने प्रोडक्ट रूल लगाया और सीधा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया इसको, ठीक है। तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू वन इज इक्वल टू 0, यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे तो माइनस वाई बाई एक्स आ जाएगा, ठीक है। देख लो आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो। चलो बच्चों 7th क्वेश्चन पे आ जाओ, और थोड़ा
तैयारी से करना पड़ेगा ये तो, बहुत भयानक क्वेश्चन है। देखो जरा, एक्स क्या है? एक्स इज साइन क्यूब टी अपॉन रूट ऑफ कॉस 2 टी। डीएक्स बाई डी टी, बच्चों डिनोमिनेटर का होल स्केयर करेंगे, कॉस 2 टी का होल स्केयर होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर रूट कॉस 2 टी एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव करेंगे हम साइन क्यूब का, क्या होगा रिया, क्या होगा साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव? सर इसका होगा 3 sin² t इनटू cos³t, cos नहीं, थीटा cos कॉस टी, कॉस क्यूब टी नहीं, थीटा कॉस टी। बाकी बच्चों को समझ आ गया ये? यस उसके बाद हम न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे, है ना? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, पान्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा? रूट कॉस 2 टी का डेरिवेटिव क्या होगा पान्या? सर हाफ कॉस 2t रेज टू द पावर -1 रेज टू द पावर माइनस हाफ, माइनस हाफ का मतलब डिनोमिनेटर में रूट यस इनटू इनटू कॉस 2t तो sin 2t इनटू 2 -sin 2t बेटा, ठीक -sin 2t इनटू 2 है? अच्छा ओके, इस 2 को हम कट कर सकते हैं, ठीक है? और कॉस 2t को एलसीएम ले लें हम, अगर एलसीएम ले लेंगे तो कॉस 2t, इसको बेटा एक बार देखो पहले, बाद में लिखना, मैं रुक जाऊंगा तब लिखना। कॉस 2t को एलसीएम लेंगे तो ये कॉस 2t इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? तो क्या आएगा जब ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगी, ये एलसीएम वाली टर्म, ये एलसीएम आएगा तो एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? रूट हट जाएगा न्यूमरेटर का एलसीएम ले रहे हैं हम, किसा कुछ बोल रहे हो बेटा? फिर आई वाज सेइंग रूट हट जाएगा रूट हट जाएगा, गुड। कॉस 2t आएगा, ये 3 को बिगनिंग में लिख देता हूं मैं, साइन स्क्वायर टी रहेगा, कॉस टी रहेगा, माइनस साइन क्यूब टी ऐसे ही रहेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन क्यूब टी रहेगा और साइन 2t रहेगा, साइन 2t, और जो हमने एलसीएम लिया था वो एलसीएम नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा नीचे? एलसीएम है रूट कॉस 2t और ये भी कॉस 2t है, इस पे हाफ पावर है और इस पे 1 पावर है, कॉस 2t रेज टू पावर 3/2 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ, चलो यहाँ तक नोट करो। क्या हुआ, नहीं आ रहा? नहीं नई वाली एनसीईआरटी आई है ना, उसमें से डिलीटेड वाली चैप्टर ही हटा दिए, उसमें ये देखने की दिक्कत ही नहीं कि क्या डिलीटेड है और क्या नहीं, वो एक्सरसाइज ही हटा दी जो डिलीटेड है। अच्छा, हमें एक एक्सरसाइज पे कंफ्यूजन था ना कि वो डिलीटेड है या नहीं, वो नए वाले में पता लग जाएगी। हाँ नए वाले में पता लगेगी, मैं लेने गया था बुक, मैं लेके नहीं आया, परीक्षित के लिए छोड़ आया, मैंने कहा परीक्षित तो पूरा ही पढ़ लेगा क्या, अच्छा अगर उसको मैंने डिलीटेड वाली बुक दे दी तो वो एक्स्ट्रा वाला नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं उसके लिए वो बुक लाया ही नहीं। हो गया बेटा, यहाँ तक हो गया? ओके, अब इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है? अब वाई को देखो, वाई क्या है, या एक काम और करो, देखो जरा, यहां से 3 cos 2t, चलो बाद में करेंगे, छोड़ दो। वाई देखो क्या है, वाई इज इक्वल टू cos³t रूट ऑफ cos²t। देखो बाद में लिखना, पहले समझो, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, फिर से वही डिनोमिनेटर का होल स्क्वेयर करेंगे,
कॉस टू टी हो जाएगा, कॉस टू टी हो गया, एंड रूट ऑफ कॉस टू टी यहाँ पर डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, कोशेंट रूल लगा रहे हैं हम, एज इट इज रहेगा, कॉस क्यूब टी का डेरिवेटिव करेंगे। कॉस क्यूब टी का डेरिवेटिव क्या होता है? 3 cos² t इंटू कॉस टी का डेरिवेटिव होगा, दैट इज माइनस ऑफ साइन टी, माइनस ऑफ साइन टी प्लस, फिर 3.5 और 3.6 में आ रही किसकी देख है, 3.5 लो एक बार अच्छे से। की। हाँ यहां पर बच्चों कॉस क्यूब टी एज इट इज रहेगा, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा? 1/2, 1/2 रूट ऑफ कॉस टू टी इंटू कॉस टू टी का करेंगे माइनस ऑफ साइन टू टी इंटू टू। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। तो और वहां माइनस नहीं आना चाहिए कॉस क्यूब टी से पहले। हाँ बीच में, सॉरी, अच्छा यहाँ बीच ठीक में क्वेश्चन रूल में बीच में माइनस होता है बच्चों, माइनस लगाओ। है। बाकी कोई डाउट है बच्चों? कीसा नहीं सर, ओके, 2 से 2 को कट कर देंगे और फिर से एलसीएम लेंगे, तो रूट कॉस टी टी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो फिर से ये रूट इसका हट जाएगा, कॉस टू टी। 3 को बिगनिंग में लिख लेते हैं, माइनस साइन भी साथ में है, कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। और बच्चों ये जो बाद वाला माइनस है इसकी वजह से और इसकी वजह से ये प्लस हो जाएंगे, मतलब ये दोनों साइन मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस दिस इज कॉस क्यूब टी साइन टू टी अपॉन डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा एलसीएम, तो कॉस टू टी रेज टू पावर 3/2। नोट करो बच्चों यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा बच्चों? डीवाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। जब हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो एलसीएम से तो एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, है ना? एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा देखो जरा, -3 cos 2t cos² t साइन टी प्लस cos³t sin² t अपॉन अपॉन क्या होगा? 3 cos 2t sin² t cos t प्लस sin³t sin² t। ठीक है, अब ये तो डिफरेंशिएट तो हो गया बच्चों, अब पीछे आप आंसर देखो बुक में आंसर क्या दिया हुआ है। नेगेटिव कॉट 3 cot³t, तो हमें आंसर में जो दिया है वो प्रूव करना है। ठीक है देखो बच्चों जरा ध्यान से देखना, अभी लिखना बंद करके सिर्फ देखेंगे बाद में नोट करेंगे। देखो बच्चों एक तो इस cos²t को चेंज करना है, cos²t को क्या चेंज करना है? इसको चेंज करना है, क्या चेंज करोगे इसको? 2 sin t cos t, इंपॉसिबल। और एक ही साइन टी को चेंज करना है, sin²t को चेंज करना है, क्या चेंज करोगे इसको? इसको भी सेम चेंज करोगे, 2 sin t cos t, चेंज करके लिखो।
ये हो गया बच्चों, सबका हो गया, पाने हो गया बेटा। यस सर, एक सेकंड बस। हाँ, अब न्यूमरेटर से आप साइन टी इंटू कॉस टी कॉमन लेंगे, न्यूमरेटर से साइन टी इंटू कॉस टी कॉमन लेंगे आप, तो बच्चों यहां क्या बचेगा देखो जरा, -3 कॉस 2 टी इंटू कॉस टी, एक कॉस टी बाहर चला गया, एक साइन टी बाहर चला गया, ठीक है। यहां से साइन टी कॉस टी बाहर चला गया तो बचेगा आपका 2 cos³t। डिनोमिनेटर से भी आपको साइन टी इंटू कॉस टी कॉमन लेना है, क्या ये आया है बच्चों आपका, यस सबका सेम आया है? यस सर, ये कट हो गया। अब बच्चों कॉस 2t को चेंज करना है और इस कॉस 2t को चेंज करना है, -3 कॉस 2t को चेंज करोगे 2 cos²t-1 इंटू कॉस टी प्लस 2 cos³t। कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी लगाई बच्चों हमने, 2 cos²θ-1, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में 3 इंटू इस कॉस 2 टी को बच्चों चेंज करना है 1 -2 sin²t में, 1 -2 sin², ये भी कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है, 1 -2 sin²θ। ब्रैकेट के बाहर हमारा साइन टी है प्लस 2 cos³t है, ठीक तो है, 2 sin³। 2 sin³t, सॉरी। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो बच्चों, 3 को भी अंदर ले जाओ, क्या बाकी बचा बच्चों? देखो, -4 qt + 3 cos t। हाँ, यहाँ पर -4 cos³t, क्योंकि ये 2 cos³t और 6 cos³t, -4 cos³t प्लस 3 cos t अपॉन, यहाँ साइन टी है, ये 6 sin³ है, ये 2 sin³ है, 3 sin t -4 sin³t। अगर आप न्यूमरेटर से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 cos³t -3 cos t। तीसरा, ये देखो बेटा, अगर न्यूमरेटर से माइनस कॉमन ले लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, 4 cos³t -3 cos t, ठीक है। ऊपर जो ये 4 cos³t -3 cos t किसकी आइडेंटिटी होती है, cos 3 cos 8। ये cos 3t की आइडेंटिटी होती है।
और नीचे ये किसकी आइडेंटिटी है, साइन थ्री टी की आइडेंटिटी है, तो ये आपका माइनस कॉट थ्री टी आंसर आ जाएगा। ऑलमोस्ट लर्निंग वाला क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना पड़ेगा। दो चीजें आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी पड़ेंगी, कॉमन क्या लेना है, कॉमन क्या लेना है, एंड इस कॉस टू टी को कॉस वाली आइडेंटिटी से ओपन करना है, इस कॉस टू टी को साइन वाली आइडेंटिटी से ओपन करना है। ठीक है, याद रहेगा। यस तीसरा, स्टेप्स में कोई डाउट तो नहीं बेटा बीच में? तो नो सर, क्लियर। ये एक्सरसाइज तो बच्चों हमारी पूरी हो गई है। एग्जांपल नंबर 37 देखो एक बार। सर कौन सा एग्जांपल? 37 इसका डिफरेंशिएट करो पर मेरी कैसे। बुक एग्जांपल 37 अलग भी आ रहा है, तो सेम बुक में अलग है, तो मेरे में भी। सर नई वाली बुक है? हमारे में एग्जांपल 34 है ये वाला। अच्छा ये, हाँ एग्जाम्पल 34 होगा फिर। ये देखो ये कौन सा एग्जाम्पल आपका, 5.6 से जस्ट पहले वाला एग्जाम्पल क्या है देखो। एग्जांपल 34 है। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, 2/3 एक्स टू द पावर, पावर एक कम कर देंगे, पावर एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगी, 2/3 माइनस वन करेंगे माइनस 1/3, प्लस 2/3 वाई टू द पावर माइनस 1/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 0, करेक्ट। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, माइनस ऑफ 2/3 एक्स टू द पावर माइनस 1/3 अपॉन 2/3 वाई टू द पावर माइनस 1/3, ये आपके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आनी चाहिए। कितने होंगे 4.2। कौन सी वैल्यू क्या है, एपी? ये ऑलरेडी अच्छा वर्ड प्रॉब्लम है इसमें, हाँ थोड़ी मोड़ चाहिए। देखते ना अच्छे से होनी चाहिए। टू बाई थ्री से 2/3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स को लिख देंगे 1/दिस, वाई को ऊपर ले जाके लिखेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस वाई अपॉन एक्स रेज टू पावर 1/3 आंसर आ जाएगा। बुक में कुछ अलग ढंग से किया हुआ है बच्चों, एक बार उसको देखो, तो वो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो। ठीक है, बाकी बुक वाला अच्छा लगे तो वो कर लेना। समझ आया ये क्वेश्चन आपको? पान्या यस सर, तो बुक में उन्होंने क्या किया पेपर, वो एक्सप्लेन करोगे? बुक में उन्होंने किया, उन्होंने सब्स्टिट्यूशन किया, एक्स को ए कॉस क्यूब थीटा डाल दिया, एक्स को ए कॉस क्यूब थीटा डाल दिया एक्स के जगह पे, वाई के जगह पे क्या डाल दिया, वाई के जगह पे ए साइन क्यूब थीटा डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए कॉस क्यूब थीटा रेज टू पावर 2/3, यस ए साइन क्यूब थीटा रेज टू पावर 2/3, दिस इज ए रेज टू पावर 2/3, तो तो इसको सेपरेट करोगे, पावर सेपरेट करोगे तो ये ए टू द पावर 2/3 कॉस, देखो क्यूब इससे ये इसका ये कट जाएगा, जब इसके ऊपर पावर आएगी तो सिर्फ कॉस स्क्वेयर थीटा बचेगा। यहाँ पर ए टू द पावर 2/3 साइन की पावर 2/3 करोगे तो 3 से 3 कट हो जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा बचेगा, दैट इज ए टू द पावर 2/3। ठीक ओके है, ये आ गया, ए बाई थ्री को कॉमन लेके दोनों साइड से कैंसिल कर दें हम, तो कॉस प्लस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1। साइन स्क्वेयर थीटा,
इसकी हमें डालने की जरूरत नहीं थी बच्चों, इज इक्वल टू बन गया, इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि तो ये साइंस स्क्वायर थीटा बन आ गया ना, ठीक है, सर। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा प्लस, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन, जो इक्वेशन हमारी कहाँ गई वो, इक्वेशन हमारी ये थी, एक्स टू द पावर 2/3 वाई टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू ए टू द पावर 2/3, इसके अंदर हमने एक्स को ये डाला वाई को ये डाला तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मीनिंग ये है कि ये दोनों इक्वेशंस मिला के, ये दोनों मिला के इसकी पैरामेट्रिक, जो गिवन इक्वेशन थी उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है। हमने प्रूव कर दिया बेसिकली। हाँ, तो इसके जगह पर हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने के बजाय हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब ये इक्वेशन, ये दोनों कंबाइंडली इज इक्विवेलेंट टू दिस, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। सो इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग दिस वी कैन डिफरेंशिएट दीज टू, और वहां से डीवाई बाई डी एक्स फाइंड कर दें हम, राइट। सो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास आएगा dx अपॉन dt इज इक्वल एक्स टू अपॉन ए, क्या बेटा, डीएक्स अपॉन डी थीटा नहीं होगा सर। हाँ सॉरी, dx अपॉन डी थीटा, और इससे आप फाइंड करोगे dy अपॉन डी थीटा, एंड देन यू विल फाइंड dy बाई dx, वो भी आपका सेम आंसर आएगा, ठीक है। करके देखोगे उसको, आप नहीं आए तो मुझे बताना, जी या फिर वैसे करना ही मत, नॉर्मल तरीके से कर लूंगा। ज्यादा इजियर है, बहुत लेंदी हो गया। हाँ बच्चों, ये चलो, ये तो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है बच्चों, 5.7 पे आ जाओ। देखो बच्चों, अभी हमारे पास क्वेश्चन है, मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस में 2x+3, ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, 2x का क्या होगा, 2 × 1, यही होगा ना। अगर हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, या एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 20 ले लिया हमने, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 20 × x⁻¹⁹, यही लिखेंगे। अगर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखा जाएगा, 20। दोबारा डिफरेंशिएट करने का क्या मीनिंग है बच्चों, हमने इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस डी बाई डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं अब, तो वो ऐसे लिखा जाएगा। और फाइनली इसको कैसे लिखते हैं, d2y/dx2, राइट, दैट इज राइट साइड में क्या करना है, हम सिंपली हम डिफरेंशिएट ही कर रहे हैं, तो वैसे ही करना है जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है, 20 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव सिर्फ x19 का करेंगे, जो कि क्या होता है, 19 × x⁻¹⁸, राइट। सो d2y/dx2 इज इक्वल टू
इसे हम कहेंगे सेकंड डेरिवेटिव। क्या कहेंगे? सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, सपोज हमारे पास ये है y इज इक्वल टू एक्स फोर है, इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशियंट होता है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशियंट dy बाई डी एक्स, दैट इज 4x³। अगर आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ dy वाई बाई डी एक्स, दैट इज d अपॉन डी एक्स ऑफ 4x³। तो इसको लिखा जाएगा d2y अपॉन डी एक्स टू। क्या मीनिंग है इसका? सॉरी, इस डी स्क्वेयर का मीनिंग क्या है? इस फर्स्ट जो डी स्क्वेयर लिखा है इसका मतलब दो बार डिफरेंशिएट हुआ है। इस एक्स स्क्वेयर का मीनिंग क्या है? कि पहली बार एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ, दूसरी बार भी एक्स के रिस्पेक्ट में ही हुआ है। ठीक है, अगर ऊपर डी क्यूब आ जाता है इसका मतलब होता है कि तीन बार डिफरेंशिएट हुआ है। नीचे डी एक्स थ्री आ जाता है, इसका एक्स थ्री का मतलब है कि तीनों बार एक्स के रिस्पेक्ट में ही हुआ है। करेक्ट, ईशा ही समझ आया? यस सर, आ गया। हाँ, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 3x² दैट इज 12x² राइट। बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई वन भी लिखते हैं, y डैश भी लिखते हैं और f डैश x भी लिखते हैं। इन सभी का क्या मीनिंग है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सभी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। डी टू वाई बाई डी एक्स टू, वाई टू, वाई डबल डैश, एफ डबल डैश एक्स, ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन। मतलब डी थ्री लिखा हो सकता है, डी फोर लिखा हो सकता है, बट आपके कोर्स में डी टू तक ही है। ठीक है, सो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं वाई वन क्या है, वाई डैश क्या है, वाई डैश कहाँ से आएगा लाइक, तो वो कुछ नहीं, डी वाई बाई डी एक्स को ही रिप्रेजेंट डिफरेंट वे से किया होता है। वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई वन, वाई टू, या एफ डैश, एफ डबल डैश, ये सब सिमिलर होते हैं। करो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन करो, एक्सरसाइज 5.7। तो फर्स्ट का आंसर 2 है। हाँ, फर्स्ट का 2 है बेटा। थर्ड का क्या आंसर आया बेटा? -2 sin x - x cos x। पाने हो गए थर्ड बेटा। तो फर्स्ट ऑर्डर निकाल ले, सेकंड ऑर्डर निकाल ले, एक कीसा आपका बेटा सर हो गया।
ओके नेक्स्ट करो, फोर्थ वाला करो। माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर एट द टीचर हाँ ठीक है, पेज यस सर चेंज कर दो बेटा। सर तीसरा लेफ्ट हैंड से लिखते हो? यस सर अच्छा, फोर्थ हो गया। यस सर रिया, फिफ्थ का आंसर आ गया। ठीक तो बस वही सेकंड ऑर्डर वाला पार्ट पे मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। कितना हो गया? चार के फोर पता मिला दे इसमें गुड, एग्जांपल एग्जांपल कर रहे हैं, नेक्स्ट सर एग्जांपल ना देख रहा हूँ जो एक बार भी वैसे कर ले, तेरे एग्जांपल में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पूरे पूरी बुक के मैं मार्क कर दूंगा कौन कौन से करने हैं, तो वो एग्जांपल एक बार अलग से कर लेना। बच्चों हो गया फिफ्थ आंसर, यस सबका सेम आ गया। अच्छा सिक्स क्वेश्चन करो। देखो बच्चों एक बार इधर देखो जरा, सिक्स क्वेश्चन के लिए सो सिक्स्थ में अगर हम ई रेज टू द पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं तो ले लूं हाँ लेना है, नहीं तो सम ज्यादा लंबा हो जाएगा। यस कॉमन लेके सर ही करना है बेटा, मुझे नहीं तो सम ज्यादा लंबा हो जाएगा। हो तो जाएगा बट ज्यादा लंबा होगा फिर, अगर नहीं लोगे तो। फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लो,
तेरे बच्चों नहीं समझ आता है तो मुझे बताओ, मैं बताऊँ, एक्सप्लेन करूँ एक बार। तो यहाँ तक तो कर लिया कि 5 - sin 5x, x उसके बाद सेकंड टर्म एक्सप्लेन कर दो इसी देखो स्टेप बेटा, में. देखो यहाँ तक सबको समझ आ गई, स्टेप तक, स्टेप नंबर 1 तक सबको समझ आ गया। यस ओके, उसके बाद मैंने यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव किया तो इस पे प्रोडक्ट 2 लगेगा, एक ये टर्म है और एक ये पूरी टर्म है, ब्रैकेट एक कंप्लीट 1 टर्म है और e टू द पावर एक्स से अलग टर्म है, तो इस पे प्रोडक्ट 2 लगेगा। ई एक्स को एज इट इज रखा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 5 एज इट इज रहेगा, कॉस 5x का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन 5x इंटू 5, प्लस साइन 5x का क्या हो जाएगा, कॉस 5x इंटू 5। ठीक है, ये तो हमने ब्रैकेट वाली टर्म को डिफरेंशिएट किया, ई एक्स को एज इट इज रखा है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ब्रैकेट वाली टर्म एज इट इज रहेगी और ई एक्स डिफरेंशिएट होगा, तो ई एक्स का डेरिवेटिव तो ई एक्स ही होता है, तो ये ऐसे होगा। अब e टू द पावर एक्स को कॉमन ले लिया, e टू द पावर एक्स को कॉमन ले लिया, ये आ गया यहाँ पर, ये 5 × 5 25 बन गया, -25 × sin 5x। ठीक है, अच्छा प्लस में ये 5 cos x था, ये एज इट इज, ये 5 cos 5x था, ये भी एज इट इज, ये sin 5x, ये भी एज इट इज। उसके बाद ये 5 + 5 दोनों मिलके क्या हो गए, 10, या cos 5x था, बस मैंने गलती से यहाँ पर x लिख दिया, तो ये 10 × cos 5x हो गया, और ये 25 sin 5x एंड यहाँ पर sin 5x, ये माइनस का है, ये प्लस है, तो -24 sin 5x हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th भी बच्चों बिल्कुल सिमिलर है, एक बार करो उसको, 7th को ट्राई करो, कॉमन जरूर लेने लेना ना, अदरवाइज सम लंबा हो जाएगा। कंप्लीट स्टेप्स लिखने, जो स्टेप मार्किंग होती है। अच्छा कब आएगा, कल ये तो मैं वही कर सकता हूँ सर, मतलब कुछ क्या? एनसीईआरटी की कुछ
मेरे आंसर में मिस्टेक आ रहा है। क्या बेटा? तो मेरा आंसर थोड़ा गलत आ रहा है उसमें, लाइक वैसे सेम है बट पीछे आंसर में इट्स 9 और मेरे में 3 है। क्योंकि व्हेन यू ऐड द थिंग यू हैव टू जो लाइक पूरा फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करने के बाद व्हेन यू ऐड द डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड टर्म यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 6 आल्सो, क्योंकि पावर का भी डिफरेंशिएशन हाँ करना है। वो मैंने कर दिया। मेरी भी सेम गलती आ रही थी। देखो जरा एक बार इधर, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। हाँ क्या करेंगे बच्चों, e टू द पावर 6x का डेरिवेटिव अगर आप करोगे तो e टू द पावर 6x इंटू 6 होगा, cos 3x को एज इट इज रखेंगे, प्लस अब cos e टू द पावर 6x को एज इट इज रखेंगे, cos 3x का करेंगे तो जाएगा माइनस ऑफ साइन 3x इंटू 3। ठीक है, यहाँ से अब आप e टू द पावर 6x को कॉमन ले लो, ठीक है, बाकी क्या बचेगा, 6 cos 3x -3 sin 3x, ये ठीक है। अब पर सेकेंड ई डेरिवेटिव, इज 3 3 into e की पावर 6x का कॉमन लिया, तो क्या बेटा मैंने 3 into e की पावर 6x कॉमन लिया। उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 भी साथ में कॉमन ले सकते हो। d2y/dx2 इज इक्वल टू e टू द पावर 6x का डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा, इनटू में ये एज इट इज रहेगा, 6 cos 3x -3 sin 3x, ये एज इट इज रखो, ठीक है। हाँ और प्लस अब e टू द पावर 6x इनटू, देखो ये cos 3x है, cos 3x का डेरिवेटिव करोगे तो इतना आएगा -sin 3x इंटू 3, एक बार इधर देखो, -sin 3x इंटू 3 आएगा ना, वो 3 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा 18 हो जाएगा, या सर बाद में मल्टीप्लाई कर लो, -sin 3x का डेरिवेटिव जाएगा cos 3x इंटू 3, वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से e टू द पावर 6x आप कॉमन ले लेंगे, 6 6 36 cos 3x -18 sin 3x -18 sin 3x -9 cos 3x, ठीक है। e टू द पावर 6x 36 3x cos 3x, नो कितना बचेगा, 25 नहीं 27 26 cos 3 है। 27 cos 3x -36 sin 3x, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन आ जाएगा, आंसर क्या है बेटा पीछे, रियल यस। मिस्टेक मिली बेटा, यस सर। एट वाला करो बेटा,
पाने एट हो गया, यस सर। नाइन्थ करो, पीसा हो गया बेटा आपका। यस सर। कौन से सम पे हो? सर नाइन्थ का सेकंड ऑर्डर निकाल रहे हैं। करो शाबाश। रिया नाइन्थ हो गया बेटा। यस सर, बस एक बार आंसर चेक करें। यस सर, सही है। यस पान्या सर, लास्ट स्टेप पर हुआ। ईसा आ गया बेटा नाइन्थ का आंसर। यस सर। सर आ गया सर, लेकिन आपने जैसे किया मैंने वैसे नहीं करा, मैंने क्वेश्चन टूल लगा के करा है, तब भी आंसर सेम ही आ गया। बेटे क्वेश्चन रूल से लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन रूल की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर वन है ना बेटे। अंजलि चले आगे चले। कौन सा सम था बच्चों? ये नाइन, टेंथ करो बेटा। सर ये नाइन्थ का क्वेश्चन है। अच्छा ये नाइन्थ का। अच्छा इस पे लगा सकते हो आप क्वेश्चन टू।
रिया डाउट टेंथ हो गया बेटा सबका। ईशा यस गुड। इलेवेंथ वाला लिखो बच्चों, एक बार इलेवेंथ के लिए इधर देखो जरा। तो ये पूरी एक्सरसाइज आज खत्म कर रहे हैं क्या? हो कौन बोल रहा है? ओके गया हाँ, क्या कह रहे बेटा? तो ये पूरी एक्सरसाइज आज ही खत्म कर रहे हैं क्या? थक गए, पर थक गए? 2 घंटे यस हो गए। 5:30 चलो भी है। थैंक इलेवन क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं। यू सर। देखो डी वाई बाई डी एक्स, वैसे करना चाहो तो कर लो, आज भी कर लो, क्योंकि आज और कल मेरे पास अच्छा टाइम है, परसों से मेरे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज रहेगी, तो क्योंकि फिर आपको भी एक बार आपके स्कूल खुलने के बाद फिर आपके पास भी टाइम ज़्यादा नहीं रहेगा, डबल डबल क्लासेस स्कूल के साथ चलाने में ना प्रॉब्लम होती है, तो जितना हो जाए इतना अच्छा है। कल तो हम क्लास कर ही लेंगे मॉर्निंग में, है ना? और जल्दी हो जाएगा तो रिवाइज कर लेंगे, हमें एनसीईआरटी के बाहर से भी करना है बेटा। आपने बुकलेट से तो यूनिवर्सिटी को नहीं करी है ना अभी किसी ने भी? नो सर। एग्जाम से पहले तो आपको वो भी करनी पड़ेगी। अच्छा यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद ये वाई बन गया हमारा, है ना? वापिस वही टर्म बनेगी ये, तो इसके जगह हम डालेंगे माइनस वाई, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऐसे प्रूव करना है। पानी समझ आया बेटा? यस ठीक सर। या तो बस करें फिर और यस नहीं करें, या थोड़ा सा कर लें दो तीन क्वेश्चन? ठीक रिया का मन नहीं है, चलो छोड़ देते हैं फिर। और एक कॉल करा लो, क्योंकि इस समय को 1 बजे बाहर जाना है, तो इसलिए आई नीड टू गेट रेडी। तो फिर एक कॉल करा लो। अच्छा चलो कल पे आ गए फिर, चलो रहने देते हैं, तो कल कर लेते, लग रहा है आप थके हुए हो, है ना? थैंक चलो यू सर। ओके बच्चों, कल कितने बजे रखें? चलो सेम टाइम पे रखेंगे तो कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि 24-25 को ना मैं बाहर रहूंगा, तो वहां पर छुट्टी करनी पड़ेगी 24-25 को, उस टाइम कर नहीं पाएंगे, तब तक आपके एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर आप भी ज्यादा टाइम नहीं लगा पाओगे, तो बेटर यही कि इन छुट्टियों में ही थोड़ा सा डिफरेंशिएशन को खत्म कर दें, तो आई थिंक उस टाइम रिवीजन तो आप घर पे भी खुद भी थोड़ा कर लेंगे अगर कम हो पाया तो, ठीक है ना? पहले एक बार कर कल दें इसको। सेम टाइम पे कर लेते हैं फिर। हाँ कल 10 बजे कर लेते हैं। ऑल राइट बच्चों, 10 बजे सारे ही आ जाना फिर, माने आप भी आ ही जाना। थैंक ओके बेटा यू सर। ओके, थैंक यू सर। बाय बच्चों।